मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। किसी को मेरे बारे में पता चला या मेरी इजाजत के बिना तुमने घर छोड़ा तो इस क्राइम स्टोरी में अगली खबर तुम्हारी आ जाएगी। प्लीज इस तरह का बम्पर ऑफर मुझे मत दीजिए, मेरा दिल बैठ जाएगा। सर मैं जरा होके आऊं। अब कहाँ जा रहे हो? सुसु, प्लीज। आये, 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 थैंक यू सर। एसी भी बोल रहा था कि हमसे कोई बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है, पर कौन हो सकता है ये? कौन हो सकता है? हेलो भाई, मैं देवा का आदमी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपका दिल जिस लड़की पर आ गया था उसे मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं भाई को कुछ बता पाता वो दुनिया से चल बसे। संजू, कोई लड़की का मैटर है, तू ही बात कर। बोल रहे कहाँ मिलेगी वो? आज का अखबार पढ़ा? वीरू का साथी मारा क्या? अच्छा हुआ मर गया, वरना किसी दिन मैं ही मार देती। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर ली ना। एक्टिंग करोगी? क्या मतलब? हीरोइन बनोगी? एक्टिंग करनी है? पूछने वाली क्या बात है, एक चांस मिल जाए बस फिर कमाल देखना। ठीक है तो दिखाओ कमाल। यहाँ पर डायरेक्टर साहब। सर सर सर, राम ने मुझे आपके बारे में बताया है सर, मैं कब से आपके साथ काम करने के लिए वेट कर रही थी। रियली? आप मेरे सामने हैं। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आपकी पिक्चर के हीरो ने जब दो लड़कियों को एक साथ डेट किया था और फिर अपनी पत्नी को। उसका डायरेक्टर करण जौहर था, मैं नहीं था। वो कॉफी वाला खुद पीता है, सबको पिलाता है। ओके ओके ओके। अच्छा वो पिक्चर आपकी थी ना जिसमें एक के बाद एक जीप हवा में उड़ती रहती है? वो भी मेरी फिल्म नहीं थी, रोहित शेट्टी की होगी। तो आपकी फिल्म कौन सी है? ये मेरी पहली फिल्म है, माय डेब्यू। वैसे आपकी इस फिल्म का हीरो कौन है? मुझे कैसे पता होगा? हीरो भी आ गया। भाई ये क्या रे? गुलाब है साले। कितने प्यार से दिया है भाई। छे। पता नहीं उसे आप में क्या दिखता है, कब से पटाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सेटिंग नहीं हो रही। पता नहीं 3 महीने पहले उसने आपको कहां देखा। फिनिश, मुझे तो साइड एक्टर बना दिया। पता नहीं लड़कियों के चॉइस को क्या हो गया है। ये शाने, किसकी बात कर रहे तू? हां उस लाल ड्रेस वाली लड़की की। राम उससे क्या कह रहा है? हीरो को उसका सीन समझा रहा है। डायरेक्टर तो आप है ना? डायरेक्टर तो मैं ही हूँ, पर वो डायरेक्टर का डायरेक्टर है। पर मुझे सीन कौन समझाएगा? मैं किस काम आऊंगा बेबी, मैं हूँ ना। ओके। 3 महीने पहले तुमने हीरो को पहली बार देखा। 2 महीने पहले तुम्हें उससे इश्क मोहब्बत प्यार हो गया। 1 महीने से तुम उसे अपने दिल की बात बताना चाहती हो। ओके। आज वो तुम्हारे सामने आ गया है तो तुम उसे आई लव यू जानू कहना चाहती हो। वाह वाह क्या सीन है, व्हाट अ क्रिएटिविटी, यू आर ब्रिलियंट सर। डायरेक्टर साहब आपने सीन तो समझा दिया ना? हाँ, वो 3 महीने पहले अब तुमने जैसा कहा था वैसे सब समझा लिया। गुड श्रुति, अपना टैलेंट दिखा दो। इस सीन में मुझे ये श्रुति नहीं चाहिए, तुम कैरेक्टर में घुस जाओ। बाय द वे ये सिर्फ ऑडिशंस है, पर तुमने अच्छा किया तो डायरेक्टर साहब तुम्हें हीरोइन चुन लेंगे। क्यों सर? जैसा तुम कहो सर। आशीर्वाद दीजिए। ये किस तरह का फिल्मी चक्कर है, इसका हीरो कौन है? वीरू भाई का छोटा भाई। मेरा अगला शिकार है, किसी को बताना मत। सर जिसका शिकार करना है करो, मुझ बेचारे किस्मत के मारे को तो बख्श दो। हाय, एक्चुअली 3 महीने पहले जब मैंने आपको पहली बार देखा, मेरा दिल दिमाग चैन सब कुछ कहीं पे खो गया है। हमेशा बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है, लेकिन आज मैं तुमसे ये कहकर रहूंगी, आई लव यू।
भैया हो सकता है वो लड़की कुछ अनाप शनाप बोल के चली गई हो, आप प्लीज बुरा मत मानो। वैसे भी आप तो अरेंज मैरिज मटेरियल हो, आप उसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। हा? मैं चलता हूँ भैया। वो लड़की मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। हेलो डायरेक्टर सर, कल वाला सीन तो बिल्कुल कमाल का था। तुम्हारा ये कमाल मेरे लिए बवाल खड़ा कर रहा है बेबी, टेंशन कम है जो तुझे सीन समझाऊं। डायरेक्टर सर, आपने सीन समझा दिया ना? आपने मुझे समझाया था। श्रुति, सीन बहुत सिंपल है। कल तुमने हीरो को आई लव यू कहा, आज हीरो तुम्हें आई लव यू कहेगा। यही सीन है ना सर? ओह, मुझसे बिना पूछे सीन बदल दिया, ये चीटिंग है। डायरेक्टर को पूछना चाहिए ना, अब ये हीरोइन मेरे साथ दोबारा काम नहीं करेगी। सिचुएशन क्या है? मुझे हीरो के पीछे भागना है कल की तरह। क्या बात है, क्या बात है, कल की हीरोइन परसों के डायरेक्टर से स्मार्ट है। ये लो तुम्हारा हीरो आ गया, अब भाग के उसके पास जाओ, भाग के वापस आ जाओ। अभी जाती हूँ सर। कितना करंट देगी? सर, किस्मत भी कितनी कुत्ती चीज है, कब उस खंभे पर सुसु करेगी पता नहीं। वो नहीं जानता कि आप ही विधाता है, करता धरता मारता सब आप ही है। आहा, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सुपर हिट। कुछ कहो ना। कल तुमने जब मुझे आई लव यू बोला, तुम मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अब मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? आई लव यू। ये क्या भैया? मैंने उसे आई लव यू कहा तो बिना कुछ बोले ही भाग गई। इसको शर्माना कहते हैं भाई। शर्माना? और क्या, अगर लड़के के आई लव यू कहने पर लड़की दबे पाव भाग जाए मतलब मामला सेट है। मतलब पोरगी पटली रे। कैसा था जल्दी बताइए। जल्दी कैसे बताऊं, मुंह से शब्द नहीं निकलते, टेंशन से पसीना भी निकलना बंद हो गया है। आपका टेस्ट बिल्कुल बेकार है डायरेक्टर सर। मेरा? ये आदमी मेरा हीरो कैसे बन सकता है? तो क्या तुम्हें मेगा स्टार चिरंजीवी चाहिए? हीरो हो तो बिल्कुल राम की तरह, जो है हर लड़की के सपनों का राजकुमार। माचो, स्टाइलिश, मैनली, आई थिंक आई लव हिम। दिल में घंटी बजी। हेलो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा रे। अभी इसके लिए टाइम है भैया, तब तक ऐश कर लो। Come in. क्या है रे? नमस्ते सर। मिसिंग केस है सर, पिछले 10 दिनों से मेरी एक अच्छी दोस्त लापता है। फोटो वोटो है क्या? है ना सर। कितने दिनों से लापता है लड़की? 10 दिन से सर। पागल हो गया क्या? पर ये तो रुक, मैं भी आता हूं। बोल भानु। 10 महीने पहले हमने 2 लोगों को मार दिया था, दीप्ति, सत्या। गड़े मुर्दे अभी क्यों खड़ा रहा है? एक लड़का मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है कि दीप्ति 10 दिनों से गायब है। पागल हो गया? ए, रोक उसको, वो जाने ना पाए। मेरे पास ला उसको। रुक, मैं कहता हूं रुक, रुक साले।
कातिल ने कैसे मारा उसे? वही बताने तो यहां आया हूं। ए, रुक जा। ए, रुक। कौन है बे तू? सत्य। सत्य? पहचाना मुझे? क्या तुम्हें कातिल की शक्ल याद है? उसे देखते ही पहचान लूंगा। स्केच आर्टिस्ट को अंदर भेजो। उसका हुलिया बताओ जल्दी। और उसकी बाई आंख थोड़ी सी छोटी बनाना। हो गया सर। यही वो? हाँ, यही वो शख्स है। अगर तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर आना पड़ेगा। श्योर। रुको। उसका चेहरा इतनी बारीकी से तुम्हें कैसे याद है? ये चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता सर, मैंने उसे एकदम करीब से देखा है।